जो लोग कहते हैं कि ओवैसी या भड़काव भाषण से ध्रुवी किरण की राजनीति करता है, कहते हैं ना ये ध्रुवी किरण करता है। अब हम उनसे पूछना चाह रहे, बताओ क्या उत्तर प्रदेश में बात सच नहीं है कि 5 साल बाबा को मौका मिला, 5 साल अखिलेश को मिला, कई मर्तबा बहन मायावती को मिला, मुलायम सिंह यादव को मिला, मगर बताओ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की हमने एक बाजाबता माहिरीन एक्सपर्ट को बिठाकर एक स्टडी करवाई जिसमें बात मालूम हुई। क्या मालूम हुई? पूछो समाजवादी बीजेपी वालों से कि उत्तर प्रदेश में सबसे गरीब अगर कोई है अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान, सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई है तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है, सबसे कम 2 एकड़ जमीन किसी के पास है तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है, सबसे ज्यादा बच्चियां और बच्चे स्कूल के बाहर हैं तो मुसलमान समाज के, सबसे कम कोई ग्रेजुएट है तो मुसलमान 3% है, उसके बावजूद भी समाजवादी समाजवाद की बात करती है, बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। अरे बताओ, जब हमारे बच्चों को स्कूल नहीं है, हमारे बेटों को ग्रेजुएशन का मौका नहीं है, गरीबी में ज्यादा बेरोजगारी में ज्यादा, तो कौन से समाजवाद और सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी और सपा करती है? मैं थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सोचने के लिए कह रहा हूँ, ताकि जब आप इस जनसभा से उठकर जाएं तो इस दीवाने की बात का थोड़ा सोचो, फिक्र करो, अपने दिलों पर जोर डालो। याद रखो, भारत की राजनीति में गरीबों को, मजलूमों को, पिछड़ों को भीख मांगने से हक नहीं मिलता, लड़ने से मिलता है, और ओवैसी लड़ने के लिए तुम्हारे दरमियान में खड़ा है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्या आप अपना साथ दोगे? ये आपकी राय है।